गुड मॉर्निंग सबको। आज इस सब्सक्राइबर सजेस्ट स्पेशल वीडियो का पार्ट टू है और पार्ट वन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तुम लोगों ने पार्ट वन के कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा सजेशन दिए हैं और उसमें से आज मैंने फिर से एक सजेशन उठाया है और वो सजेशन है आदर्श की तरफ से। सो थैंक यू भाई, थैंक यू, लिटरली थैंक यू। और थैंक यू मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुमने सजेशन दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई और हार्ड सजेशन दे देते, है ना। सजेशन था ऑल ट्रिम कलेक्शन। सीरियसली तुम्हें पता है कितना मुश्किल है वो? वेल तो मैंने प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, फिर भी इस वीडियो में आज हम सबसे ज्यादा आसानी से मिलने वाली ट्रिम से सबसे ज्यादा रेयरेस्ट जो ट्रिम है, जो कि है साइलेंस ट्रिम, हम उन सबको कलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। होप फॉर द बेस्ट, मैं सारे पालू। और मैंने इस वीडियो को लाइक ऐसे नीचे से ऊपर रखा है, लाइक जो सबसे आसान ट्रिम है पहले मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद फिर जिनके कम चांसेस है उसको मैं सबसे लास्ट छोड़ूंगा, जो कि है साइलेंस ट्रिम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मैं तब तक कर लेता हूँ तैयारी। और मैंने सोचा है कि मैं एक ट्रिम ढूंढूंगा और सिर्फ उसी के लिए तैयारी करूंगा, वरना मेरी पूरी इन्वेंटरी तो भर जाएगी। मैंने हर एक ट्रिम के लिए हर अलग अलग चीजें सोची है, तो आई होप कि हमें सारी ट्रिम्स आसानी से मिल जाए। जो सबसे आसान ट्रिम है, ओ भाई यहाँ पे तो आग लग गई है, मैं रेस्क्यू के लिए आ गया हूँ। वेट, मैंने जंगल को जलने से बचा लिया। यस थैंक मी लेटर। ओके, ओ भाई कितनी सही जगह ये। वेट 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 वेट, ओ भाई साहब, भाई सोचो यहाँ पे मेरा घर। एक सेकंड, तुम में से कई लोगों ने मुझे घर भी बनाने के लिए सजेस्ट किया, लिटरली में कई लोगों ने। और इतिहास गवाह है कि मैंने आज तक अपनी माइनक्राफ्ट हिस्ट्री में घर नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। तो जो सबसे आसान ट्रिम है जिसके मिलने के चांसेस 100% है वो है एंड आर्मर ट्रिम, और उसके नाम की तरह वो हमें मिलेगी एंड में, आई मीन एंड पोर्टल के पास। और ये तो एंशियंट सिटी का रास्ता है जहां से हमें साइलेंस ट्रिम मिलेगी, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी हमें चलना है यहाँ पे, पम 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 पम, जल्दी से नीचे पहुंच जाता हूँ। अरे यार, तो ये मेरे जूते ना, सीरियसली। ओ मैं फिर भी पहुंच सकता हूँ नीचे, मेरी सांसें जा रही हैं, प्लीज जल्दी पहुंच जा भाई। ओके, तो हिल, मैं डर गया था सच में। मौत। तो ये ट्रिम हमें मिलेगी लाइब्रेरी में, और अरे यार लाइब्रेरी इसी तरफ है, हाँ यहाँ पे मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके चांसेस 100% हैं, तो हमें ये तुरंत मिल जाएगी। यहीं पे कहीं पे एक चेस्ट होती है। चेस्ट 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 चेस्ट, हाँ सही है बेटा, उसके चांसेस 100% है, तो मुझे चेस्ट ही नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। अबे ये तो रही, हाँ ये तो है। अबे ब्रा, ये रही आई आर्मर ट्रिम। तो हमें हमारी पहली ट्रिम मिल चुकी है। इसको लेने के साथ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 3 ट्रिम्स हैं, जो कि है सेंट्री आर्मर ट्रिम जो कि मिलती है पिलेजर पोस्ट पे, कोस्ट आर्मर ट्रिम जो कि मिलती है शिप रैक पे, और वॉर ट्रिम जो कि मिलती है एंशियंट सिटी में, जो कि तुम इस वाली वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी है, तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। लॉयल्टी 3, नाइस। ट्राइडेंट के लिए, ट्राइडेंट ही नहीं मिल रहा है मुझे। और हम अपने कल्चर को पूरी तरीके से बरकरार रखेंगे, जिस चेस्ट को लूटो उसको तोड़ दो, मोर लाइक जिस थाली में खाओ उसमें नहीं, सॉरी बहुत गंदा था ये। इसमें भी है, हाँ 100% इसका रेट है, तो ये तुम्हें हर एक चेस्ट में मिलेगी एंड पोर्टल के पास, जो भी लाइब्रेरीज होती है सब में मिलेगा। ये सब भी तोड़ ही लेना चाहिए क्योंकि ये काम ही आता है। हट जा मंत्रिच, भाई यार ऐसा लग रहा है ना कि मुझे एक स्वॉर्ड बना लेनी चाहिए और लकड़ियां मुझे यहाँ से मिल ही जाएंगी, वरना ही मुझे लूटने ही नहीं देंगे यार। ओ हेलो, ये क्या है, यहाँ पे केव है? अरे कद्दू केव है मेरा। स्वॉर्ड, वाओ। नेदरराइट में फुल्ली कवर होने के बाद मैं एक वुडन स्वॉर्ड बना रहा हूँ, सो प्रोफेशनल। और हाँ तुम लोग जल्दी जल्दी सजेशन करो यार, तुम में से किसी का भी सजेशन अगली वीडियो में दिख सकता है, किसी का भी नाम अगली वीडियो में दिख सकता है, तो क्यों चांस को जाया करना। आई डोंट नो मैं इस सीरीज के कितने पार्ट बनाऊंगा, लेकिन हाँ वो कम होंगे। और वाह 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 क्या बात है, एक वुडन स्वॉर्ड से आयरन टूटने की आवाज आ रही है।
ऊपर भी तो है, मैं इस पूरी जगह को लूट लूंगा। और अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे और भी ट्रिम्स यानी और भी लाइब्रेरीज हैं या नहीं, क्योंकि अगर लाइब्रेरीज हैं तो वहाँ पे चेस्ट होंगी और चेस्ट में ट्रिम्स तो पक्का होंगी। वेल, आदर्श भाई का मैंने सजेशन इसलिए भी लिया है क्योंकि ये सीरीज एडवांसमेंट कंप्लीट करने की भी है, तो इसके साथ हमारा एक एडवांसमेंट भी पूरा हो जाएगा जो कि एपिक एडवांसमेंट है, पर्पल वाली। तो हमारा आई आर्मर, ओ यहाँ पे मैंने लूट नहीं की थी, ठीक है फालतू की चीजें रख देते हैं और लूटपाट मचाते हैं। तोड़ दो इसको। बताओ मैं कब से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने लूटा ही नहीं है यहाँ पे। ये तो हमारा एंड। ओ भाई साहब, मैं इसको देख के डर गया था। तो अब हम चलते हैं सीधा ऊपर जो कि है रास्ता यहाँ से। बताओ जिस ट्रिम के मिलने का रेट 100% है उसमें भी पूरा एक दिन निकल गया, तो भाई साहब रेयरेस्ट का तो क्या ही हाल होगा। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन से तीन ट्रिम है, हाँ अपग्रेड ट्रिम के साथ। तो हमारे पास पहले अपग्रेड ट्रिम है और है हमारे पास कोस्ट आर्मर ट्रिम और सेंट्री आर्मर ट्रिम और वार्ड आर्मर, और इसके साथ अब हमारे पास हो चुका है हमारा आई आर्मर ट्रिम। तो इसी के साथ हमें तैयारी करनी है टाइड आर्मर ट्रिम की जो कि हमें मिलता है ओशन मॉन्यूमेंट में, जिसके चांसेस हैं 60%। यानी वो जो कौन होता है वहां पे, वो फिश, क्या नाम होता है उसका, गार्डियन फिश नहीं, गार्डियन कुछ तो होता है यार गार्डियन करके, उसको मारने पे वो ड्रॉप करती है। तो वहां पे चेस्ट वगैरह नहीं मिलती है, उसी को मारना होता है और वो हमें देगी। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, तो मुझे पहले वो तैयारी कर लेने दो और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सारी चीजें मैंने रख ली है, बस इन सैडल्स को रख लेता हूँ। अब हमें तैयारी करनी है, हमें चाहिए वाटर ब्रीदिंग के पोर्शन सबसे पहले, एंड आई होप कि मेरे पास है वाटर ब्रीदिंग के दो पोर्शन है। इनको हम बढ़ा सकते हैं क्या, 3 मिनट से ज्यादा कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर कि कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। Oh, nice. और वाटर ब्रीदिंग के पोर्शन बनते कैसे थे? वाटर ब्रीदिंग ऑकवर्ड पोर्शन बनाना है, फिर पफर फिश डालनी है। ओके, ऑकवर्ड पोर्शन तो भाई ऑकवर्ड करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। पफर फिश बहुत सारी है ना, ओ नाइस यार बहुत सारी है। ये सब मैंने उससे लिया था, ट्रेडर से, मुझे तब नहीं पता था कि इनसे वाटर ब्रीदिंग के पोशन बनते हैं। ऑकवर्ड पोशन, अब डालते हैं पफर फिश। अब इसके बाद हमें डालना है इसमें रेडस्टोन, नाइस। आई गेस यार 4 मेरे हिसाब से, या 5 ठीक है, या 10 या 20। 1, 2, 3, 4, 5 या 5 ले लिया। और अब हमें चाहिए डोर, क्योंकि वहां पे जब हम जाते हैं हमें खोदने के लिए, लाइक पानी में ना हम लोग ऐसे ब्लॉक को तोड़ नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि हमें डोर ले लेना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारे पोशन किसी कारण से खत्म हो गए तो हम डोर से भी सांस ले सकते हैं। तुम देख रहे हो कितना दिमाग लगा रहा हूं मैं, वहां चल के आई डोंट नो क्या होने वाला है। और हमें चाहिए मिल्क, थैंक यू फॉर मिलक, क्योंकि वो जो चम्मच वाला इफेक्ट देती है ना, सच बता रहा हूँ, उसमें तो चाहे तुम दरवाजा लगा लो, खिड़की लगा लो, पूरा घर लगा लो, वो तोड़ने नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने ये रखा है। और पानी में जाने के लिए पानी की जरूरत तो नहीं है, तो इसको रख देते हैं। हाँ, हमें चाहिए स्पंजेस, और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे स्पंज क्यों चाहिए। ये पहला ओशन मॉन्यूमेंट तो यहीं पर है, ये रहा, सबसे पहले हम इसी को लूटेंगे। और स्पंजेस यहीं कहीं पर मिलने चाहिए। जब तुम लोग माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करते हो ना, तो कितनी सारी चीजें तुम्हें दिखती हैं और कितने अच्छे अच्छे ऐसे जो नेचुरली बिल्ट स्ट्रक्चर होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें शेडर्स का भी काफी रोल है, लेकिन एट लास्ट है तो माइनक्राफ्ट ही ना। अरे यार क्यों लगा लिया मैंने ये मॉस ब्लॉक, ओ हाँ ये भी मेरे काम आ जाएगा। बरीड ट्रेजर मैप, थैंक यू। यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट है और यहाँ पे एक शिप रैक है। ये पता है कौन सी जगह है, ये हमारी स्पॉन, मतलब ये हमारा ओरिजिनल स्पॉन पॉइंट है, यहीं पे मैं स्पॉन हुआ हूँ, उस जगह पे उस तरफ। अगर तुम इस वाली वीडियो में जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ओ हेलो, ओ नाइस यार, मैं ऐसे कितने अच्छे से खोद सकता हूँ उसको। ओ नाइस, क्या ये डेड कोरल, कोरल थोड़ी चाहिए, स्पंज चाहिए मुझे। स्पंज कहाँ से मिलते हैं, स्पंज ही तो है ये, नहीं स्पंज कहाँ से मिलते हैं फिर, ओशन मॉन्यूमेंट में मिलते हैं क्या।
एल्डर गार्डियन, हाँ उसका नाम एल्डर गार्डियन है। मतलब मुझे ओशन मॉन्यूमेंट के लिए स्पंजेस चाहिए और वो मुझे ओशन मॉन्यूमेंट में ही मिलेगा। ये क्या बात हुई, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम्हें पता मैं पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी बना सकता हूँ, लेकिन फिर खेलने का मतलब क्या हुआ? जब मुझे अटैक ही नहीं कर पाएंगे तो खेलने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। इसका क्या करूँ मैं डेड कोरल का, भाई तू ही रख ले। तुम्हें पता है मेरा ये जो बेस है ना, ये बहुत ज्यादा लकी है। मुझे आसपास बहुत सारी चीजें मिल गई। टर्टल्स यहीं पर हैं, वुल्फ यहीं पे हैं, और हाँ पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था। यहाँ पे वुल्फ भी है। वेल ओ भाई 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 भाई, मुझे ना एक्चुअली बहुत डर लग रहा है। सबसे पहले ना मुझे रॉकेट्स निकाल लेने चाहिए क्योंकि मुझे कभी भी एस्केप करने की जरूरत पड़ेगी। ब्रीदिंग पोशन मेरे हिसाब से, आई मीन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इफेक्ट, वो नाइस है इफेक्ट नहीं है। ठीक, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, फिर तो डायरेक्ट घुस सकते हैं। ओह ये बॉय, अरे मेरा प्लान और सक्सेसफुल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या, व्हाट द हेल। ओह शिट, ओके मेरी बहुत गंदी फट रही है, एक्चुअली बहुत गंदी फट रही है। ये आवाज कैसी है भाई? दूध पी ले आकाश। ओ शिट, इससे तो वाटर ब्रीदिंग भी तो खत्म हो जाएगा ना, क्या गधा है यार भाई। ये माइनक्राफ्ट वाले ना लिटरली, ये नासा से ज्यादा तो ये खतरनाक है। ओके ओ हेलो, ओ हाय, कहाँ है, कहाँ गया, ओ हाय साले, हट जाए यहाँ से। ये कौन है? एल्डर गार्डियन। ओ हेलो, ओ हाय, मैं तुम्हीं से मिलने आया था। हेलो कहाँ हो, इधर आइयो साले। आओ भाई, ये कौन सी बात है, कूल डाउन का टाइम तो दे दे। तू तो बेटा नहीं आ सकता यहाँ से, तू तो छुपा रहे। ओके 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 ओके, शील्ड बचाएगी ना मुझे। What the hell? कहाँ ये एल्डर गार्डियन, कहाँ है गार्डियन, कहाँ है? मुझे ब्लॉक्स लाने चाहिए थे, एक्चुअली मैं बहुत डम हूँ। कहाँ ये गार्डियन, कहाँ है भाई तेरे, कितनी खुजली है, कहाँ है तू? इधर आइयो सामने। अबे साले इधर आ। मुझे एक बात बताओ, ये एरोस इतनी तेज कैसे जा, नहीं मुझे लगा था बस। गार्डियन कहाँ है, गार्डियन कहाँ है? दिक्कत ये है ना कि अगर मैं इधर खोया तो मेरे को बजा देंगे बहुत बुरी तरीके से। वो रहा गार्डियन, वो रहा। ठीक है आकाश, बहुत शांत रहना, ठीक है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो। बे भाई बेवकूफ इंसान, क्या कर रहा है, तैर लेना। बे इधर आ, वो तहल उस पे पहुंच क्यों नहीं रहा था? नोप, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे चाहिए 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 ही नहीं तेरे। तू ही रख, तू ही रख, तो तू ही रख, तो तू ही रख। कितनी हेल्थ है भाई साहब, एक्चुअली भाई एक तो ये पोकेमोन जैसे दिख रहे हैं। अबे मर जा भाई, कितनी जान है इसमें। ओ, 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 मुझे नहीं पता वो कितना डैमेज देगा, मुझे चांस ही नहीं लेना है भाई, मर जा। अबे एक तो तुम अलग हो, एक तो मैं बहुत सेज जगह पर हूँ, पता है तुम्हें? वेट इधर से बंद कर दे तो। ओ, ओ, वाह ना मुन्ना। ओले हेलो, बेचारे को चार्ज होना पड़ता है। ओ शिट 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 ओ शिट, मरा साला हराम खोर, कहाँ है ये क्या? ओ यस, ओ मिल गया मिल गया, ओ मिल गया, ओ मिल गया मिल गया मिल गया, ओ मिल गया मिल गया मिल गया। बेटा जल्दी से निकल जा आकाश। ओ फकिंग हेल शिट, ओ मिल गया भैया, मिल गया मिल गया। ओ, अरे भाई कितने चालू हैं कसम से ये। अब बस मुझे यहाँ से निकलना है आकाश, तोड़ और निकल यहाँ से, ठीक है? ये कितनी आसानी से मिल गया ना। शिट यार, ऐसे मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा पता है इसको। ओ हेलो हाय, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। स्पंज हेलो, वो स्पंज कहाँ से? बेटा ना तुम्हें तो आने ही नहीं दूंगा, इस दरवाजे को खोल के आओ। ओ हेलो हाय 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 हाय, दरवाजा खोल के आओ ना, क्या हो गया?
मछलियों को बोल रहा हूँ दरवाजा खोल के आओ लिटरली। ओ यहाँ पे ना वो होता है गोल्ड। ओके मैं अगर यहाँ पे मिल्क पीऊँ तो ओ नाइस, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओ नाइस ओ नाइस ओ नाइस ओ नाइस नाइस नाइस। आकाश बहुत तेज भाग। ओके बहुत तेज भाग आकाश, बहुत तेज भाग। अरे उड़, अबे उड़ेगा कैसे, यही नहीं है भाग। ओह भाई ये कितना आसान था, पता मुझे सीरियसली लग रहा था कि इसमें कितना टाइम लगेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे सच में नहीं पता था, पर फाइनली हमें हमारा टाइड आर्मर ट्रिम मिल चुका है। चलो फिर इसको भी रखते हैं। अरे यार एक तो ये इफेक्ट हटाओ प्लीज। तो हम इसमें हमारे सारे ट्रिम्स रखेंगे। ओके पहले हमारा अपग्रेड ट्रिम, ये सारा, फिर ये, फिर ये। ओके तो अब इसके आगे आई होप कि सारी चीजें आसानी से हो जाएं, और ये भी काफी ज्यादा आसान था नॉट गोना लाई। तो अब इन सारी चीजों को रख के मैं मिलता हूँ, और हमें हर एक दिन एक ट्रिम मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलो फिर तो टाइड आर्मर ट्रिम मिलने के बाद अब हमें चाहिए वैक्स आर्मर ट्रिम, और उसके नाम की ही तरह वो हमें मिलेगा मेंशन में, और उसके चांसेस है 50%। यानी अगर हमें वो एक मेंशन में नहीं मिला तो वो दूसरे में तो पक्का ही मिल जाएगा। और जैसा कि इस वाली वीडियो में हमने देखा था, हमें एक मेंशन मिला था बिना किसी भी मैप के, तो हम सबसे पहले वहीं पे जाएंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए थे, और हाँ हमने तैयारी कर ली है। तैयारी क्या की है मैं बताता हूँ। रॉकेट्स, और वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है तो टॉर्चेस, और बाकी सब वैसा ही है। इस पे अभी ध्यान नहीं देते, एंड आई होप कि इसकी जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। ये विलेज, हाँ इस विलेज में मैं नहीं आया हूँ। पता नहीं कौन से कंगलों के विलेज में आ जाता हूँ मैं भी। तुम्हें पता है इनको ट्रिम के साथ ना किसी तरीके का पोशन इफेक्ट देना चाहिए, जिससे ना लोग और आगे बढ़, एक सेकेंड, जिससे ना लोग और ज्यादा एक्सप्लोर करें। क्योंकि ट्रिम देने का सिर्फ मतलब ये नहीं है हम अपना लाइक आर्मर अच्छा कर सकते हैं दिखने लुक्स वाइज, बट अगर ये लोग उसके साथ कुछ इफेक्ट भी देना तो लोग और ज्यादा एडवेंचर पे जाएंगे, और सिर्फ उस ट्रिम से ही अगर वो इफेक्ट मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है? हेलो हेलो हाय, अबे कैमल भाई, भाई मैं कसम से बता रहा हूं मैं पहली बार दो, ओ ओ हेलो भाई साहब, मैं इधर के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, और इस ये कैमल मुझे चाहिए। ओ भाई मैं आऊंगा भी लेने, ठीक है, इंतजार करेगी या करेगा, मुझे मुझे सब चलता है भाई। यार भाई ये गोलम से लंबा है। ओ गोलम दूर हट जा मेरे से, बस इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा मैं। ओके चलते हैं, मुझे एक बेड ले लेना चाहिए। हाँ तो मैं बोल रहा था कि इनको एक इफेक्ट देना चाहिए ट्रिम के साथ, तो तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि ट्रिम देने का इनका लॉजिक ये है कि लोग ज्यादा एक्सप्लोर करें माइनक्राफ्ट को, और ज्यादा चीजें मिले, और ज्यादा उनको इंटरेस्ट आए, तो अगर वो ये चीज डालेंगे ना, अगर मजाएंगे ये चीज डाले इफेक्ट वाली, तो लोग और ज्यादा इंकरेज होंगे। वरना सिर्फ लुक्स के लिए मैं तो कभी ट्रिम नहीं लेता, सच बता रहा हूँ मुझे ट्रिम्स इतना नहीं पसंद है। हेलो फायर कोरल ब्लॉक, और कोरल भाई क्या बेवकूफ बनाया, मैं आज तक सोचता था कि वो कोरल स्पंज है। Meanwhile, ओ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ओ नाइस, ओके फाइनली मिल चुका है ये। हेलो मेंशन, क्या मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी में मेंशन किया? आज मैं तुम्हें अपनी वीडियो में मेंशन करने आया हूँ। ओ भाई कितने गंदे जो, आओ क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ मैं क्या हूँ बेवकूफ। ओह हाय, ओके ओके ओके, ये ओके उसके पास इंचेंटेड था यार, इधर तो पक्का है। ओह हाय ओह हाय,
बहुत तेज मारा भाई, कहा है? What the hell? एक सेकंड, भाई मैं कसम से अपनी शील्ड नहीं उठा पा रहा था, क्यों? इधर आ साले, भाई इनका मेंशन है तो अच्छा यार। ओह नाइस, इधर क्या डार्क ओक ले लो। ओह कितना सुंदर है ये भी, कौन डिजाइन करता है यहाँ पे, नाइस लाइक इट। अब तोड़ दूंगा, एक्चुअली काफी अच्छा है यार डेकोरेशन के लिए। ओ, वैसे भी ना मुझे वो छोटे वाले नहीं होते बॉन्साई बोलते हैं जिनको, मुझे काफी अच्छे लगते हैं वो। मुझे आवाज तो आ रही है लेकिन मुझे दिख नहीं रहे लोग। ओके फक यार, बहुत डैमेज है यार इनका। ओ माय गॉड कितना तेज है ये। वहां पे एक चेस्ट थी, आई डोंट नो किस वो तो है। अबे ओके आई मीन आसान था, वो चेस्ट कहाँ गई? गया साला, कितने चालू हैं ये लोग। इसमें भी नहीं, गोल्डन एप्पल, नाइस थैंक यू। अरे खांसी है तो कुछ खाओ ना, क्या है क्या होता है हर चीज में बेवकूफ। क्या फसलें उजाड़ दूंगा मैं। ओह यहाँ पे क्या, यहाँ कुछ नाइस यार, बिल्ड तो अच्छा करते ये लोग नो डाउट। यहाँ तो कुछ तो होगा। ओ हाय क्रीपर, नको। ओ बच गया बेटा, अबे मैं प्रो हूँ, यहाँ कुछ तो मिलेगा बेटे। इतनी सारी तो फक, अबे लगाई किस लिए फिर ये क्या बात है? ये तो एक शॉट में मर गया है, करते रहो तुम। मैं तो लूट के चला जाऊंगा तुमको। ओके व्हाट द हेल, ये आवाज कैसी है? अबे पागल इंसान क्या कर रहा है ये, अजीब सी आवाज थी। नहीं इनकी आवाज नहीं, कुछ और था यहाँ पे, अभी अजीब सी आवाज आई कुछ ऊपर कुछ। ओ नाइस भाई, किसने डिजाइन किया है इतना बेकार? क्या है ये, क्या है ये बच्चों के खेलने के लिए है? बच्चा दिखता हूँ मैं तुम्हें। ओ ओ भाई इम्प्रेसिव, लाइक इट यार, नाइस यार, ये काफी अच्छा था। क्या क्या करोगे इतने गुस्से का है, क्या करोगे इतने गुस्से का बताओ? खुश रहो ना, खुश रहो, रहने दो, लूटने दो मुझे। ओ भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कुछ नहीं होगा। मैं एक बार बेवकूफ बन चुका हूँ, अब नहीं। ठीक है, इससे अच्छा पता है क्या है, इसको तोड़ो, कुछ होगा तो अपने आप निकल जाएगा। नहीं है। तो पता है क्या, हमें ना डाउट रहता है कि क्या पता इसके अंदर कुछ अच्छा हो, क्या पता किसी एक के अंदर, क्या पता ये लोग बेवकूफ बना रहे हो, क्या पता। ये क्या पता नहीं खत्म होता ना जिंदगी में कभी। इसमें कुछ होगा भी ना तब भी नहीं चाहिए मुझे, जा रहा हूँ मैं। क्या मैं उल्टा आ गया? अरे मैं घूम गया आ गया पूरा। अब बेसिकली मुझे ऊपर जाना है। हो मैंने देख लिया तुम्हें। अबे उड़ ना, अबे पागल इंसान इसी तरह मरेगा, अबे पागल। मैं अपनी ब्लॉक की वजह से भी मरता। गंदा डैमेज। ओके इसके पास तो इंचेंटेड है यार। ओ हाय मर जा भाई, क्या है। एक चीज तो यहाँ पे अच्छी करके जाऊंगा, अगर मैंने इस जगह को तबाह नहीं किया तो, कि यहाँ पे ना ज़ॉम्बीज़ वापस स्पॉन नहीं होंगे, है कि नहीं? ये कैसा भेदभाव है, हैं क्रीपर, ये कैसा भेदभाव है भाई, कैसा भेदभाव है ये। इसको क्यों नहीं मार रहा, इसके मुंह पे जाके फटे ना। मर साले, आई होप यहाँ पे कुछ मिल जाए यार। इसके अंदर कुछ है,
भाई मैं यहाँ पे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे ना रूम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो ऑगेन द कॉकरोचेस का जो घर होता है ना वो है ये, बाहर से बस इतना सा लग रहा है ये। और अंदर तुम जाओगे तुम्हें भाई एक फ्लोर पे ऐसा लग रहा है 50-50 रूम है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी पिलेजर्स बट तुमने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है मेरे पास। नाइस, क्या सुकून मिलता है इस जगह को ऐसा देख के। मैंने शांति से लूटने की कोशिश की थी लेकिन नहीं। ओ वो देख रहे हो तुम, वो चेस्ट देख रहे हो तुम? हाँ वो मुझे नहीं दिखी थी। और कोई एक, हाँ एक वहां पर भी है। ये रही, ये सारी चेस्ट मैं अभी आया था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये जो टॉर्चेस तुम देख रहे हो ना ये मैंने ही लगाई है, बहुत देर हो गई है, प्लीज निकल जाना इसमें से, ठीक है प्लीज। फाइनली फाइनली वैक्स है, यस वैक्स आर्मोट्रिम मिल चुकी है। ओ भाई साहब बहुत झिलाया भाई इसने। नाइस, गोल्डन एप्पल भी ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। ओ नहीं 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 ना ना ना, अभी वो वाला भी तो है ना। अरे 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे बुल्ला बउआ बोल रहा था सॉरी। अबे यहाँ पे चेस्ट है, What? Nice! गोल्ड क्यों ही ले रहा हूँ, इससे अच्छा तो आयरन ले लेता हूँ। और बोन्स दे दो, सस्पिशियस ट्यू दे दो, चलो एक काम करो। और ओ भाई भाई ये काम तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था भाई, 3 वैक्स आर्मर ट्रिम, नाइस। अरे 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 उसमें गोल्डन एप्पल भी है, चलो कोई बात नहीं वो तो बना लेंगे। हाँ गॉड एप्पल मिले तो बात अलग है। सीरियसली भाई ये काम मुझे ना पहले ही कर लेना चाहिए था, इसमें कम से कम मेरे 1.5 घंटे तो गए ही होंगे। ओके तो सारी चीजें मैंने रख दी है। सस्पिशियस ट्यू, यू व्हाट द हेल, बहुत बेकार था भाई, वार्डन की अदा गई थी। तो अपने वैक्स आर्मर ट्रिम को रखते हैं एंड फाइनली हमारा एक और ट्रिम आ चुका है। अब हमें चाहिए वाइल्ड आर्मर ट्रिम जिसके चांसेस हैं 33% और ये हमें मिलेगा जंगल टेंपल में। वहां के लिए हमें इतनी तैयारी नहीं करनी है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए ब्रश, मुझे चाहिए जंगल टेंपल और यहाँ पे रेगिस्तान ही नहीं खत्म हो रहा। ओ ओ ओ, ओ, ओ एक सेकेंड, ओ ये भाई साहब मेरी आंखें, क्या यहाँ पे मल्टी शॉट पावर 4, नाइस लव इट, ड्यून आर्मर ट्रिम। ओ भाई क्या बात है, भले हम जंगल ढूंढ रहे थे भले हम वाइल्ड आर्मर ट्रिम ढूंढ रहे थे कोई बात नहीं, हमें रेगिस्तान मिला और हमें मिला ड्यून आर्मर ट्रिम, थैंक यू वेरी मच। ओके यहाँ पे एक है, यस फाइनली वाइल्ड आर्मर ट्रिम, क्या बात है। ओ एक डायमंड भी है। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये दोनों टेम्पलेट्स हमें मिल चुके हैं और ये दोनों एक ही जगह पे मिले, जहाँ पे जंगल था उसी के बगल में एक डेजर्ट था वहां पे हमें ये मिला और जंगल टेम्पल में हमें ये मिला। वो तो अच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट करता हूँ ताकि किसी भी तरीके का बग क्लिच या फिर मेरी कोई गलती रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से खराब ना करे जैसे कि अभी हुआ। हमारे पास 2 और आर्मर ट्रिम्स आ चुके हैं और अब हमें जो आर्मर ट्रिम्स चाहिए वो एक नहीं है, वो 2 नहीं है, वो है 4 आर्मर ट्रिम्स और वो है वेफाइंडर, रेजर, शेपर और होस्ट। और ये हमें मिलेगी ट्रेल रुइन में और वहां पे हमें ये जो आर्कियोलॉजी ब्रश है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये जो ड्यून है इसके चांसेस होते हैं 14% जो कि हमें पहली बार में मिल गया, इनफैक्ट 2 मिल गए। हाँ हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, शिट सॉरी गाइस मुझे जाना पड़ेगा।